इमेज का बैकग्राउंड या किसी भी सब्जेक्ट का बैकग्राउंड तो हम फोटोशॉप में कैसे रिमूव कर सकते हैं। मेरे जो है वो ओपन हो गया फोटोशॉप के अंदर। अब आपको यहाँ पर ऊपर एक आइकन नजर आ रहा है सेलेक्ट का, आपने सेलेक्ट के आइकन पे क्लिक करना है। सेलेक्ट के आइकन पे क्लिक करने के बाद अब आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे एक सब्जेक्ट की ऑप्शन नजर आएगी, आपने सब्जेक्ट की ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सब्जेक्ट की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ी सी बफिंग लेगा। बफिंग करने के बाद आपको जो है ये स्मूथली जो है वो सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देगा। यहाँ तक आने के बाद आपने जो है अपनी इमेज को थोड़ा सा जूम करके देखना है कंट्रोल प्लस के साथ, कि ये जो है वो प्रॉपर सिलेक्ट हुआ है। अब यहाँ से नीचे से देखा जाए करते हैं शो सही सिलेक्ट हुए हैं और ये भी यहाँ से भी सही सिलेक्ट हुआ है। और इसके बाद ये जो है ना कान मेरा और इधर से कान जो है ये थोड़ा सा जो है सेलेक्ट सही नहीं हुआ। तो हम यहाँ पे क्विक सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम कान को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से और यहाँ से थोड़ा सा और कर लेंगे यहाँ से सही है। और थोड़ा सा ये कान का भी थोड़ा सा ऊपर ऊपर वाला ऐसे सिलेक्ट नहीं था, इसको भी थोड़ा सा सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से सही है। अब यहाँ पे हमारा बिल्कुल जो है वो इमेज जो है मुकम्मल सेलेक्ट हो गई है। यहाँ पे कंट्रोल माइनस करके इमेज को वापस मैं जो है वो लेके आऊँगा अपने उसमें डेस्क और उसमें जो है ले आऊँगा। उसके बाद अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एक मास्क आइकन नजर आ रहा है, एड मास्क लेयर, आप इस पे क्लिक करना है तो आपकी जो है इमेज का बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा।